नमस्कार मित्रों, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं टेक्निकल वर्ड्स चैनल पे। तो फ्रेंड, फाइनली जो है चाइना में रेडमी नोट 9 5G और रेडमी नोट 9 प्रो 5G लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों, अब ऐसा लीक्स निकल के आ रहा है कि यही दोनों फ़ोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका नाम होने वाला है रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 प्रो। तो दोस्तों चलिए, अब मैं इस वीडियो में आप लोग को बता देता हूँ इन दोनों का फीचर्स क्या है और प्राइस क्या है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं Redmi Note 9 5G का फीचर्स आप लोगों को बता देता हूं। इसमें मिल जाता है 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। देखिए, और इसमें पंच होल के साथ आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं मैं रियर कैमरा की बात करूं तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप बैक साइड में मिल जाता है। पहला है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का जो मिलता है वही मैक्रो कैमरा। वहीं मैं प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी यू वाला प्रोसेसर, जो कि दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं ये एक 5G वाला प्रोसेसर है। इसमें 5000 mAh का बिग बैटरी मिल जाता है और इसमें 18 वाट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इस फोन में मिल जाता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर। वहीं दोस्तों मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 14,500 से स्टार्ट है। दोस्तों मैं इंडियन प्राइस कन्वर्ट करके आप लोग को बता रहा हूं, मतलब कि इस फोन में मिल जाता है 8GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों मात्र 14,500 में ही चाइना में लॉन्च हो गया। तो दोस्तों ये फोन जब इंडिया में आता है 16,000 या 17,000 में भी आएगा तो दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं चलिए बता देता हूँ Redmi Note 9 Pro 5G का फीचर्स, इसमें क्या क्या मिल जाता है। इसमें मिल जाता है 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि मेरे विचार से डिस्प्ले क्वालिटी जो है इस फोन का काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों मैं बात करूँ कैमरा के बारे में, इसमें मिल जाता है पंच होल के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं मैं रियर कैमरा की बात करूँ तो इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, मतलब प्राइमरी कैमरा जो 108 मेगापिक्सल का है। वहीं मैं दूसरा कैमरा की बात करूँ तो उसमें 13 मेगापिक्सल का जो है वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और वही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। भैया 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, जो कि दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी कैसा होगा और एक फोटो कितना MB का होगा। तो दोस्तों अंडर 20,000 या 20,000 या 22,000 में भी आप माने तो भैया 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाए तो भैया सोने पे सुहागा वाला बात है। तो दोस्तों वहीं मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो उसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर, जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं एक 5G वाला प्रोसेसर है। वहीं मैं बैटरी की बात करूँ तो उसमें मिल जाता है 4820 mAh का बैटरी। यही नहीं, 33 वाट फास्ट चार्जिंग का भी इस फोन में सपोर्ट मिल जाता है, जो कि दोस्तों बिग बैटरी है, फास्ट चार्जिंग भी है, जो कि मेरे विचार से काफ़ी बढ़िया है। और इसमें भी मिल जाता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर। तो चलिए अंत में मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है, मतलब शुरुआती प्राइस जो है 18,000 रुपये। इसमें मिल जाता है 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों इसी का मैं 8GB और 128GB वाले में वेरिएंट की बात करूँ तो इसका प्राइस है 20,000 रुपये, मतलब इसी प्राइस में लॉन्च किया गया है चाइना में। तो दोस्तों देखिए, इंडिया में जब ये फ़ोन आ जाता है 20,000 या 21,000 में भी ये लॉन्च होता है तो दोस्तों सबको टक्कर देने वाला, मतलब 5G फोन आ जाए 20,000 या 21,000 में तो दोस्तों मेरे विचार से काफ़ी बढ़िया है। देखिए इसमें मिल जाता है कितना कैमरा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा। और यही नहीं, और इसमें काफ़ी आप लोग को बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल जाता है। और Redmi Note 9 5G जब इंडिया में आएगा तो जाहिर सी बात है Redmi Note 10 ही बन के आएगा। तो दोस्तों ये फ़ोन भी इंडिया में लॉन्च हो जाए 16,500 रुपये में ये फ़ोन लॉन्च हो जाए तो भैया 5G फ़ोन अंडर 20,000 तो आप लोग सोच ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, इस वीडियो को विशेष करना ना भूलें। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।